नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आजना फॉरेस्ट गार्डना त्रीजा विडियो में आपनो स्वागत छे। आज आपणे 400 थी लईने 600 सुधीना एमसीक्यू नो अभ्यास करीशुं। आ अगाउ आपणे बे विडियो एमसीक्यू आधारित मूकी दीधेल छे, तो आप त्यां प्लेलिस्ट में जईने निहाळी शको छो। तो शुरू करी आजनो आ विडियो। प्रथम प्रश्न छे, क्यूँ पक्षी सौथी मोटो माळो बनावे छे? तो बाल्ड ईगल। पृथ्वी पर सौथी मोटू सरोवर क्यूँ छे? तो सुपीरियर। पृथ्वी पर सौथी ठंडू स्थल क्यूँ छे? तो वोस्टोल वोस्टोक। त्यारबाद, विश्व में सौथी वधु वार्षिक वरसाद क्या पड़े छे? तो चेरापूंजी भारत में। क्या जीव दरियाई जवेरा तरीके ओळखाय छे? तो परवाड़ा। रात्रि दरमियान मात्र अवाज बे वार सांभळी शिकार करतु पक्षी? तो घुवळ। कीड़ी मकोड़ा पोताना वजन करता केटलू गणु वजन वधु उचकी सके छे? तो 40 गणु। राणी मधमाखी रोज केटला ईंडा मूके छे? तो 1000। सांप शिकार पकड़वा शेनो उपयोग करे छे? तो अवाजना तरंगोनो। डायनोसोर क्या वर्गनु प्राणी गणाय छे? तो सरीसृप। सौथी मोटू ईंडू क्या पक्षीनु होय छे? तो सामरुगनु। हनुमान वांद्रा तरीके कोण ओळखाय छे? तो सामान्य लंगूर। सांप तथा उभयजीवी प्राणियों अभ्यास ने शू कहे छे? तो हर्पेटोलॉजी। दीपडाना समूह ने शू कहे? तो लीप। सौथी झड़पी फरती माछली कई छे? तो सेलफिश। ड्रिलिंग देड़कानु निवास स्थान क्यूँ छे? तो रण प्रदेश। त्यारबाद, पानीनी बहार घणा दिवसों जीवी शक्ति माछली कई छे? तो एशियाई मेंढक माछली। त्यारबाद, क्यूँ कीटक सौथी लांबो आयुष्य धरावे छे? तो उधईनी राणी। माछलीना मोटा समूह ने शू कहवाय? तो स्कूल अथवा सूल। पतंगियाने केटली जोड पाख होय छे? तो बे जोड़ी एटले टोटल 4 पाख। विश्वनु सौथी वधु नुकसानकारक कीटक क्यूँ छे? तो रणनु तीड। मादा मच्छर कई रीते नर मच्छर ने आकर्षे छे? तो अवाज थी। ईतड़ी केटला पग धरावे छे? तो 6 पग। सौथी लांबू बीटल्स क्यूँ छे? तो हर्क्युलिस बीटल, अथवा एने आपणे ढाड़ियो पण कहीए छीए। कीटकों ने कया विटामिन नी जरूरियात रहे छे? तो विटामिन बीनी। सौथी झड़पती दौड़तु पक्षी क्यूँ छे? तो शाहमृग। विश्वनी सौथी ऊंची पर्वतमाला कई छे? तो एवरेस्ट। पृथ्वी परनो सौथी पोचो पदार्थ क्यूँ छे? तो अभ्रक। समयनो सौथी लांबो एकम क्यूँ छे? तो युग। समयनो सौथी नानो एकम क्यूँ छे? तो फेमटो सेकंड। त्यारबाद, सूर्यना प्रकाश ने पृथ्वी पर आवता केटलो समय लागे? तो 497 सेकंड। पृथ्वी पर सौथी लांबी पर्वतीय गिरिमाला कई छे? तो एंडीज, जे दक्षिण अमेरिका में आवेल छे। सौथी जूनो युग कयो छे? तो प्री कैम्ब्रियन जे सौथी जूनो युग छे। त्यारबाद, पृथ्वी पर सौथी मोटो टापू कयो छे? तो ग्रीनलैंड। पृथ्वीनो सौथी ऊंडो महासागर कयो छे? तो पेसिफिक के प्रशांत महासागर। विश्वनु सौथी गरम स्थल ज्यां मनुष्य वसवाट करे छे? तो डीजी बोटी, जे आफ्रिका में आवेल छे। डीजी बोटीनु बीजू नाम शू छे? तो होर्न ऑफ आफ्रिका, अथवा आफ्रिकानु सींगडू। विश्वना एकमात्र क्या देश में वाघ अने सिंह बन्ने निवास करे छे? तो भारत में। त्यारबाद, क्रूर शिकारी कोने गणवामां आवे छे? तो जंगली कूतरा ने। भसता हरणनु शास्त्रीय नाम शू छे? तो मुंटिकस मुंटजेक। भसता हरण की खासियत शू छे? दिवसे ज चारो चरे छे। ते भसता हरण बोले त्यारे क्या प्राणी जेवो अवाज काढ़े छे? तो कूतरा जेवो। गुजरात में भसता हरण क्या क्या जोवा मळे छे? तो डांग, सुलपाणेश्वर, जांबुघोड़ा अने रतनमहल। काड़ियार सामान्य रीते क्या नामे ओळखाय छे? तो ब्लेक बक। काड़ियार ने दौड़वानी झड़प केटली छे? तो 80 किलोमीटर पर कलाक। हरणकुंडनु सौथी झड़पी दौड़तु प्राणी क्यूँ छे? तो काड़ियार। वेड़ावदर राष्ट्रीय उद्यान क्या प्रदेश में आवेल छे? तो भाल प्रदेश, जी भावनगर में छे। त्यारबाद, काड़ियार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ना क्या शेड्यूल में आवतु प्राणी छे? तो शेड्यूल एक में। काड़ियार क्या क्या जोवा मळे छे? तो भाल महेसाणाना कड़ी तालुका ना सौराष्ट्र में। भारत में जोवा मळतो सौथी लांबो बिनझेरी सर्प क्यों छे? तो भारतीय खड़क अजगर। भारतीय खड़क अजगर की विशिष्टता शू छे? तो श्रेष्ठ तरवैयो छे। भारतीय खड़क अजगर नो प्रिय शिकार क्यों छे? तो चिंकारा अथवा चित्तर। गुजरात में भारतीय खड़क अजगर क्या जोवा मळे छे? तो दक्षिण गुजरात में।
घड़ियालनु शास्त्रीय नाम शू छे तो क्रोकोडाइल पालुस्ट्रिस जे मगरनी एक जात छे। निवास स्थानने आधारे मगरनी प्रजाति जणावो तो खारा पाणीना अने मीठा पाणीना मगर। त्यारबाद मगरने कोणना सीधा वंशज मानवामां आवे छे तो डायनासोरना। मगरना पूर्वजोना जीवाश्मी क्यां प्राप्त थाय छे तो कच्छ। क्यां प्राप्त थया हता तो कच्छमां। मगर संरक्षण केन्द्र गुजरात में क्या आवेलू छे तो सासणगीर गीर सोमनाथ खाते। गीर सोमनाथ नी कई नदी में मगरो निवास करे छे तो हिरण सिंगोडा मच्छंद्री अने रावल डेम। गुजरात में कया जिल्लाओं में मगर नी वस्ती सौथी वधु छे तो वडोदरा गीर सोमनाथ। नोंध के जिल्ला बदलाया होवाथी मगरवाड़ो विस्तार हाल में जूनागढ़ माथी गीर सोमनाथ में जतो रह्यो छे। गुजरात में केटला जिल्लाओं में मगर जोवा मळे छे तो 14 जिल्लाओं में। वडोदरानी कई नदी मगरो माटे प्रख्यात छे तो विश्वामित्री जेने मगरोनी नदी कहेवामां आवे छे। गुजरात में कई प्रजातिनी मगर जोवा मळे छे तो मार्स क्रोकोडाइल मगर। भारत में कुल केटली प्रजातिना मगरो जो निवास करे छे तो 3 प्रजातिना। भारत में जोवा मळती 3 प्रजातिना मगर नाम जणावो तो मार्स क्रोकोडाइल जे मगर तरीके ओळखाय, क्रोकोडाइल पालुस्ट्रिस जे घड़ियाल तरीके ओळखाय, त्यारबाद एस्च्युरिन क्रोकोडाइल जे खारा पाणीना मगर तरीके ओळखाय। गंगा नदी में कई प्रजातिनी मगर जोवा मळे छे तो मार्स क्रोकोडाइल मगर। गुजरात में ताजा पाणीना मगर कई बे नदी में विशेष जोवा मळे छे तो विश्वामित्री अने नर्मदा। किडीखाव सलवो एक एवं प्राणी छे तो निशाचर जे रात्रे चरे तेनी निशाचर कहेवाय। किडीखावनो मुख्य खोराक कयो छे तो किडी अने उदय। किडीखाव केवो वसवाट बनावे छे तो बखोल। सगर्भानु दूध वधारवा कई वनस्पति उपयोगी छे तो डोडी खीरखोडी। आखू सुवासित वृक्ष कयु छे तो तजपान। तजपान ने हिंदी में शूँ कहे छे तो दालचीनी। तज तरीके वृक्षनो कयो भाग वपराय छे तो छाल। तज माथी शू बनावाय छे तो साबु अने सौंदर्य प्रसाधनो। तुलसीनु वैज्ञानिक नाम शू छे तो ओसिमम सेंक्टम। तुलसी ए वनस्पतिनो कयो प्रकार छे तो छोड। तुलसीना छोड़नी आजूबाजू केटला विस्तार में जीवाणु मृत्यु पामे छे तथा ऑक्सीजन वधु होय छे तो 200 मीटर सुधी। त्यारबाद आगळ जोईए एमां छे के तुलसी ने बे जाति कई कई छे तो काळी अने धोळी तुलसी। तुलसीना औषधीय गुणों तो कफ सर्दी एलर्जी अने ताव नी सुस्ती में। दमवेलना औषधीय गुण तो मरडो अने अस्थमा ने पेट दर्दों में। सत्यानाशी एटले कई वनस्पति तो दारोडी। दारोडीना बीजना तेलनो उपयोग तो चामडीना रोगोमां अक्षीर तरीके। दारोडीना मूळनो उपयोग तो कमळामां। बिलाड़ी रोज केटला कलाक ऊँगे छे तो 16 कलाक। हाथी दिवसमां केटला कलाक खावामां काढे छे तो 18 कलाक। त्यारबाद सिंहने केटला नाक होय छे तो 18 नाक ने सिंहनी सरेराश आयुष पण 18 वर्ष होय छे। बिलाड़ीना समूहने शूँ कहेवाय तो क्लटर। मादा गधेडाने अंग्रेजीमां शूँ कहे छे जेनी। कांगारूना बच्चा ने शू कहे तो जोई। अत्यारे कयो युग एरा चाले छे तो सेनोजोइक अथवा चोनोजोची। सेनोजोइक एरा शू छे भौगोलिक युग, भूस्तर शास्त्रीय युग के महाकल्प। त्यारबाद आगर जोईए कि सेनोजोइक एरा एटलो जूनो केटलो जूनो युग छे एम तो 66 मिलियन वर्ष। सीनोजोइक एरानो अर्थ शू थाय तो न्यू लाइफ नवू जीवन। सीनोजोइक एरा सेना माटे जाणीतो छे तो मेमल्स सस्तननी उमर माटे। दैनिक 30 लाख कैलेरी खोराक क्या जड़चरनो होय छे तो ब्लू व्हेलनो। कयू हिंसक प्राणी सहेलाईथी झाड पर चढ़ी सके तो दीपड़ो। 15 फूट ऊँचो कूदको मारी सकतो प्राणी कयू छे तो वरु। वरुनी खासियत शू छे तो पाछळनी दिशामां कूदी सके छे। सौथी वधु आयुष्य कया पक्षीनो होय छे तो यूरोपियन ईगल। सौथी अद्भुत सुंदर माळो कया पक्षीनो होय छे तो सुगरीनो। कया पक्षीना माळामां सौथी वधु एकमो अने चेम्बर होय छे तो समाज वनवेर सोशियल वीवरमां। सकरो बाज केटला किलोमीटर सुधी जोई सके छे तो 8 किलोमीटर सुधी। त्यारबाद सकराबाजनी शिकार पकड़वानी झड़प केटली छे तो 175 किलोमीटर पर कलाक। कयु पक्षी आर्किटेक गणाय छे तो सुगरी जे सौथी सुंदर माळो बनावे छे। कई वेल एकबीजाना सुस्वाट 850 किलोमीटर दूरथी पण सांभळी सके छे तो फिनबेंक वेल। वांदरा शरीरनुं संतुलन जाळवा शेनो उपयोग करे छे तो पूंछडीनो।
मानव नजीकना परंतु पूंछड़ी वगरना प्राणी क्या है? तो चिंपांजी अने गोरिला। मानवनी सौथी नजीकनु पूंछड़ीवाड़ू प्राणी क्यूँ? तो कूतरू। त्यारबाद केट वर्ग बिलाड़ी समुदाय सौथी लांबू प्राणी क्यूँ? तो वाघ। वाघनी लंबाई केटली होय छे? तो आश्रे 2.6 થી 3 મીટર 90 + 90 સેન્ટીમીટર એની પૂંછડી હોય છે। સિંહની દૈનિક સુવાની ટેવ કેટલી હોય છે? તો 18 કલાક। મોટર કાર, ટ્રક, પાણી કાઢવાની મોટર વગેરે જેવા ભારે યંત્રોનો એકમ કયા પ્રાણીના નામે હોય છે? સાથે જોડાયેલ હોય છે? તો હોર્સ પાવર। હોર્સ પાવરની શોધ કયા દેશના વૈજ્ઞાનિકે કરી? તો બ્રિટિશરોએ, બ્રિટન જે ઇંગ્લેન્ડને આપણે કહીએ છીએ। કયા કટિબંધના પક્ષીઓ વધુ આકર્ષક હોય છે? તો ઉષ્ણ કટિબંધ। આશરે 10,000 વર્ષોથી પાલતુ પ્રાણી તરીકે કયું પ્રાણી ઉપયોગી છે? તો ઘેટું। કયો પોપટ માણસના અવાજની નકલ કરે છે? તો આફ્રિકન ગ્રે પોપટ। સમાજ વનવેર સોશિયલ વીવર પક્ષીના માળાનું કદ કેટલું હોય છે? તો 4 મીટર ઊંડો અને 7.5 મીટર લાંબો। સમાજ વનવેર સોશિયલ વીવરનું વતન કયું છે? તો દક્ષિણ આફ્રિકા। ઘોડાની કેટલી જાતો પાળવામાં આવે છે? તો 150 થી વધુ। કૂતરાની કેટલી જાતો પાલતું છે? તો 130 થી વધુ। મનુષ્યના મુખમાં મૂકેલો ખોરાક દરેક અંગમાંથી પસાર થતાં કેટલો સમય લાગે છે? તો 24 કલાક। મનુષ્યમાં પાચનની શરૂઆત કયા અંગથી થાય છે? તો મુખ। મનુષ્યમાં મુખમાં શેનું પાચન થાય છે? તો સ્ટાર્ચનું। ત્યારબાદ મનુષ્યની લાળમાં કયો ઉત્સેચક હોય છે જે સ્ટાર્ચનું પાચન કરે છે? તો એમાઇલેજ અથવા આલ્ફા એમાઇલેજ અથવા ટાઇલિન। મનુષ્યમાં આવેલી કુલ શ્વસન નલિકાઓની લંબાઈ કેટલી છે? તો આશરે 2400 કિલોમીટર। એક તંદુરસ્ત વ્યક્તિને દરરોજ કેટલી કેલેરી લેવી જોઈએ? તો 2000 કેલેરી। માદા ડુક્કરને કેટલા જોડ સ્તન ગ્રંથિ હોય છે? તો 7 જોડ, એટલે ટોટલ 14 સ્તન હોય છે એમને। બ્લુ વેલની લંબાઈ તથા વજન? તો 20 થી 27 મીટર લંબાઈ અને 8,000 થી 12,000 કિલોગ્રામ વજન। ઉંદર અને સસલાના દાંત કેવા હોય છે? તો અત્યંત તીણા। તીણા દાંતવાળા પ્રાણીઓની કેટલી જાતો છે? તો 1700 થી વધુ। હાથી કયા અંગ દ્વારા શ્વસન, શ્વાસ પારખવાનું, પાણી પીવું, પકડવું જેવી ક્રિયાઓ કરે છે? તો સૂંઢ દ્વારા। હાથીને દરરોજ કેટલો ખોરાક જોઈએ? તો 150 કિલોગ્રામ ખોરાક। હાથીને દરરોજ કેટલું પાણી જોઈએ? તો 180 લીટર। ત્યારબાદ જમીન પરના સૌથી વજનદાર પ્રાણીઓને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવો? તો હાથી, ગેંડો અને હિપ્પોપોટેમસ। હાથી દિવસ દરમિયાન ખોરાક લેવામાં કેટલો કલાક ખર્ચે છે? તો 18 કલાક। કયા કીટક દ્વારા બનાવેલ ખોરાક મનુષ્ય માટે પૌષ્ટિક છે? તો મધમાખી। પારિજાતકના કુલ કયા રંગના હોય છે? પારિજાતકના ફૂલ કયા રંગના હોય છે? તો કેસરી। ત્યારબાદ પારિજાતના ફૂલ ક્યારે ખીલે છે અને ક્યારે ખરી પડે છે? તો રાત્રે ખીલે અને મળસ્કે ખરી પડે। પારિજાતના બી કયા રોગમાં ઉપયોગી છે? તો ખોડામાં। લાખ કયા વૃક્ષ પર ઉગે છે? તો પીપળો। બાળકોની બોબડી વાણી સુધારવા કયું ફળ ખવડાવાય છે? તો પીપળાના ફળો। પીલુના બીજા નામ શું છે? તો વખડી અને મીઠી જાર। ઘોડામાં રેચક અસર માટે કયો ઉકાળો અપાય છે? તો પીલુનો પાનનો। ત્યારબાદ પીલુનું ફળ કયા રોગમાં ઉપયોગી છે? તો બરોળની વૃદ્ધિમાં। રણ પ્રદેશમાં થતા પીલુને શું કહે છે? તો વખડો અથવા ખારીજાર। મધુમક્ષિકા પાલનને શું કહે? તો એપિકલ્ચર। દરિયાઈ પ્રાણીની ચામડી નીચે આવેલા ચરબીવાળા ભાગને શું કહે? તો બ્લબર। બ્લબર સૌથી વધુ ક્યાં જળચર પ્રાણીમાં હોય છે? તો વેલમાં। મરેલા પ્રાણીઓને મસાલો ભરી સાચવવાની પદ્ધતિને શું કહે? તો ટેક્સીડર્મી। પરોપજીવી કીડા જંતુઓના અભ્યાસને શું કહે? તો હેલિમિન્થોલોજી। કીટકોના અભ્યાસને ના વિજ્ઞાનને શું કહે? તો એન્ટોમોલોજી। સીજેડીએનું પૂરું નામ? તો સેન્ટ્રલ ઝૂ ઓથોરિટી। ત્યારબાદ પ્રયોગશાળામાં વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓને કયા દ્રાવણમાં સાચવવામાં આવે છે? તો ફોર્માલ્ડિહાઇડમાં। WWF ના પ્રતિકમાં કયા પ્રાણીનું ચિહ્ન છે? તો હિમાલયન પાંડા। રીછના સમૂહને શું કહેવાય? તો સાઉન્ડર। મુર્ગા રૂસ્ટરના બચ્ચાને શું કહેવાય? તો કુકરેલ। નર મુર્ગાને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? તો રૂસ્ટર। ત્યારબાદ માદા મુર્ગાને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? તો હેન। મુર્ગા એટલે અહીંયા મરઘાની વાત કરે છે। ગેંડાનું શિંગડું શેનું બનેલું હોય? તો વાળનું। કાળિયારી શું છે? તો મૃગ વર્ગનું પ્રાણી।
कई जातिना दरियाई काजबा गुजरात में जोवा मळे छे, तो ग्रीन टर्टल, ओलिव रिडली टर्टल अने लेधर बेक टर्टल। अंगो तूटी जता नवा अंगो उत्पन्न करी सकता प्राणियों कया कया छे, तो गरोड़ीनी पूछड़ी, ऑक्टोपस, करचला अने तारा माछली। वाघना शरीर पर काड़ी पट्टीओ शा माटे होय छे, तो जंगल में भड़ी जवा माटे, जे केमोफ्लाज माटे होय छे। गुजरात में जोवा मळता झीरी साप कया कया छे, तो काळोतरो, नाग जेने कोबरा कहवाय, फुरसो पेडुकू जे वाइपर कहवाय, खड़चितड़ो, रसर वाइपर कहवाय, दरियाई साप। डॉक्टरी तबीबी प्रेक्टिस में क्यों प्राणी प्रतीक होय छे, तो सापनू। साप खोराक वगर केटलो समय चलावी सके, तो 7 मास। क्यों सरीसृप रक्षण अने भक्षण माटे पोताना शरीरनो रंग बदली सके, तो केमिलियोन। केमिलियोन में कया कोषो रंग बदली सकवा माटे जवाबदार छे, तो क्रोमेटोफोर्स कोष। गरोड़ी लीजाड़माथी उत्क्रांति पामी कयो जीव उत्पन्न थयेल छे, सर्प। सौथी मोटी गरोड़ी कई छे, तो कोमोडो ड्रेगन। नानी भारतीय जड़ बिलाड़ी क्या नामे ओळखवामां आवे छे, तो वीज अथवा वणीचर तरीके, वणियर तरीके। वणियर जर बिलाड़ी ने गुदामांथी शू निकले छे, तो सुगंधी पदार्थ। भारतनुं राष्ट्रीय प्राणी कयुं छे, तो रॉयल बेंगाल टाइगर। त्यारबाद रॉयल बेंगाल टाइगर नुं शास्त्रीय नाम शू छे, तो पेन्थेरा टाइग्रीस। भारतनुं राष्ट्रीय पक्षी तो मोर। मोरनुं वैज्ञानिक नाम, शास्त्रीय नाम शू छे, तो पावो क्रिस्टेटस। भारतनुं राष्ट्रीय सरीसृप कयुं छे, तो राजनाग, किंग कोबरा। किंग कोबरानुं पूरुं नाम तो ओफिओफेगस हन्नाह। भारतनुं राष्ट्रीय जलीय प्राणी कयुं छे, तो गंगा नदीनी डॉल्फिन। गंगा नदीनी डॉल्फिननुं शास्त्रीय नाम तो प्लाटानिस्टा गंगेटिका गंगेटिका। भारतनुं राष्ट्रीय हेरिटेज प्राणी कयुं छे, तो भारतीय हाथी। भारतीय हाथीनुं शास्त्रीय नाम शू छे, तो इलिपस मेक्सिमस इंडिकस। सिंह क्या देशनुं राष्ट्रीय प्राणी छे, तो गेम्बिया, ईरान, मोरक्को, नेदरलैंड। त्यारबाद केन्या, लीबिया, लग्जबर, मैक्डोनिया, नॉर्वे, सेरोलियोन, सिंगापुर, श्रीलंका, टोगो, यूके, इंग्लैंड, वेल्स अने स्कॉटलैंड। मॉरिशियसनु राष्ट्रीय पक्षी तो डोडो। त्यारबाद भारत में डोडो पक्षीनो समावेश IUCN द्वारा सेमा करवामां आवेल छे, तो संपूर्ण लुप्त जाति में। नेपाळनुं राष्ट्रीय प्राणी कयुं छे, तो गाय। गायनुं वैज्ञानिक नाम तो बोस टोरस इंडिकस। ऑस्ट्रेलियानुं राष्ट्रीय पक्षी तो ईमू। भारतनुं राष्ट्रीय फल कयुं छे, केरी। केरीना वृक्षनुं वैज्ञानिक नाम मेंजीफेरा इंडिका। भारतनी राष्ट्रीय नदी तो गंगा नदी। भारतनी सौथी लांबी अने पवित्र नदी तो गंगा नदी छे। भारतनी जळ जत्थानी दृष्टिए मोटी पहोळी नदी कई छे, तो ब्रह्मपुत्रा। विश्वनो सौथी मोटो नदी डेल्टा मुक्त त्रिकोण कयो छे, तो गंगा नदीनो। त्यारबाद भारतनुं राष्ट्रीय फूल तो कमळ, लोटस। कमळ लोटसनुं शास्त्रीय नाम नीलम्बो न्यूसिफेरा गर्टन। भारतनुं राष्ट्रीय वृक्ष कयुं छे, तो भारतीय वड। भारतीय वडनुं शास्त्रीय नाम फाइकस बेंगालेन्सिस। भारतमां आवेल सौथी मोटो वड कयो छे, तो कबीर वड। भारतनुं राष्ट्रीय जीवाणु बेक्टेरिया कया छे, तो लेक्टोबेलियस डेब्यूकी बल्गेरिस। जाणो ऑक्टोबर 18, 2012 दिवसे वन अने पर्यावरण मंत्री जयंती नटराज द्वारा लेक्टोबेलिसस जीवाणु तेनी उपयोगिता ने ध्यान में लई राष्ट्रीय जीवाणु घोषित कराया था। आ कॉन्फरन्स हैदराबाद में योजाई थी, जे 2012 में थी। त्यारबाद अंतिम प्रश्न जोई लीए कि भारतीय हाथी राष्ट्रीय हेरिटेज प्राणी क्यारे घोषित करवामां आव्यो, तो ऑक्टोबर 22, 2010 ना रोज। तो अहीं आपणा 200 MCQ पूर्ण थाय छे। मळीए एक नवा विडियोमां टूंक समयमां। त्यां सुधी जोड़ायेला रहो आपणा चेनल साथे।